तो बच्चों एलिमेंट्री सबको टॉपिक है, टू एंड हाफ आवर होता है, आप इसी तरह से ड्रॉइंग करेंगे। ओके, लीव्स दिया तो लीव्स, फ्लावर दिया तो फ्लावर, उन्होंने क्या दिया है वही आपको ड्रॉइंग होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में कर रहे हैं। ड्रॉइंग होने के बाद पेपर में प्रॉपर मिडल में होना चाहिए। ड्रॉइंग होने के बाद क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट कलर्स लेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल फॉर रेड कलर मैंने डायरेक्ट लिया, कोई भी एक जगह निकालो कलर्स, कलर निकाला आपने एक जगह, थोड़ा सा पानी भी मिक्सिंग करना है, ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, थिक कलर होना चाहिए। एक कोई भी पार्ट में लगा दे, फॉर एग्जाम्पल इधर सपोज मैंने लगाया, देखो ब्रश आपका इधर पॉइंटेड और अच्छा चाहिए। आप इसी तरह से पेपर को घुमा सकते हैं लगी, पहले ऐसे बॉर्डर करो। मैं अभी इतना बड़ा बॉर्डर किया, आप थोड़ा थोड़ा छोटा रख दीजिए, इतना ठीक कलर, और वन साइड से फिल करना है। देखो लाइट्स, एक ही ब्रश से भी काम होता है, जरूरी नहीं कि सब 10-15 ब्रश होना चाहिए। इस तरह से आपको एक शेड बनेगी। अभी यही शेड दूसरी जगह भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका बैलेंस मैं इधर इस जगह के लिए, ये देखो बॉर्डर भी है। टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, डिजाइन, डिजाइन में कलर स्कीम कौन से ले रहे हैं? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक? वन कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट। फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान या शंकर भगवान, उनको भी कैसे हम लोग वन कलर में करते हैं ना, तो उसको इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट। पहले 30-40 ईयर्स के पहले सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो थे, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर था, तो उसको ही मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है। ओके, तो इसी तरह से आप ये कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ओके, अभी शेड्स बना रहे हैं। सपोज ये कलर ये आपने कलर, अब ये आप इधर भी कर सकते हैं या दूर भी रख सकते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि इधर एक रेड है तो एक अच्छा दिखेगा कलर। ये देखो, अगर आपको बॉर्डर नहीं करना है तो डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं और लास्ट में बॉर्डर दे सकते हैं।